प्यारे बच्चों नमस्कार, मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हो, हम चर्चा कर रहे हैं आपकी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, जिसके अंदर प्रीवियस लेक्चर में हमने आपके दो एंगल के जो सम होता है अर्थात दो एंगल का जो योग होता है उनसे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं, साइन के केस में कोस टेन और कोट, इन चारों के केस में हमने उन फॉर्मूलों को स्टडी किया था और प्रूफ कैसे किया जाता है उस प्रोसेस पे भी हमने कुछ चर्चा की थी। साइन का मैंने आपको प्रूफ करके बताया था, कोस का प्रोसेस सेम टू सेम साइन जैसा होगा। इसके बाद बारी जब टेन की आती है तो आपको मैंने प्रूफ करता है कि साइन अपॉन कोस, कोट बनाना हो तो कोस अपॉन साइन। ये प्रोसेस बच्चों हमने कर लिया, तो मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ इन चार फॉर्मूलों को। सबसे पहले स्टूडेंट हमने यूज किया था साइन ए प्लस बी का, जिसका स्टूडेंट फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसके बाद फिर हमने केस लिया था कोस ए प्लस बी का, जो होता है कोस ए कोस बी माइनस ए साइन ए साइन बी। ठीक है, इसके बाद यदि साइन को कोस से डिवाइड करके सॉल्व किया जाए तो स्टूडेंट वो फॉर्मूला आएगा टेन ए प्लस बी का, जो आपको मैंने बताया था टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय वन माइनस टेन ए टेन बी। इतने बात क्लियर होगी स्टूडेंट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें, तो वो देखिए एक और फॉर्मूला है कोट ए प्लस बी का, जो हम लिखते हैं कोट ए कोट बी माइनस वन डिवाइड बाई कोट ए प्लस कोट बी। इतनी बात क्लियर हुई स्टूडेंट। ये चार फॉर्मूले आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताए थे। ठीक है, अब बात ये आती है कि जब प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इन फॉर्मूलों को डिस्कस किया, इनका यूज किया था, वो मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट डायरेक्टली सारे एंगल्स की वैल्यू हम नहीं निकाल पाते। जैसे देखो जो टेबल है स्टूडेंट, वो हमने पढ़ी है 30 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 और एक जीरो डिग्री, तो इन्हीं के ऊपर डिपेंडेबल वैल्यू निकलती है क्या? लेकिन एंगल यही थोड़ी ना होते हैं, एंगल तो अलग बहुत सारे होते हैं। तो जो जो एंगल हम बना सकते हैं वो लगभग कोशिश हमारी ये रहती है सभी एंगल की तो वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन इन फॉर्मूलों के थ्रू जिन जिन की वैल्यू पॉसिबल है या जिनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तो वो। तो कल मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया था साइन 75, आज मैं आपको एक एग्जांपल करवा रहा हूँ टेन 75 डिग्री का। अब यदि आपको टेबल याद हो स्टूडेंट, तो उसके अंदर साइन 75 का नहीं था, नहीं था ना। अब बताइए अगर दिस सॉरी 1075 का नहीं था, अब 1075 यदि निकालना पड़ जाए तो कैसे करें? तो आपके स्टूडेंट कोशिश ये रहनी चाहिए ऐसे दो एंगल्स में उसको ब्रेक कीजिए, लिखिए जिनकी हम वैल्यू जानते हैं। हम वैल्यू जानते हैं स्टूडेंट 0 30 45 60 और 90, इनमें से किन दो का सम किन दो का योग 75 होता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 10 45 प्लस 30 या 30 प्लस 45 लिख लो, बात है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 10 ए प्लस बी का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे 10 ए प्लस 10 बी डिवाइड बाय 1 माइनस 10 ए 10 बी। ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला तो अप्लाई कर सकते हैं। 10 45 की वैल्यू 1 प्लस 1 बाय रूट 3, 1 माइनस 1 बाय रूट 3, यदि मैं ऊपर रूट 3 एलसीएम लेता हूँ नीचे रूट 3 एलसीएम लेता हूँ तो वो कैंसिल होकर ही कुछ ऐसा बन जाएगा। एलसीएम नहीं, चलो उत्तम लेकर आप जब कैंसिल करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, यानी जो आपका 1075 है स्टूडेंट वो हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाय रूट 3 माइनस 1। क्लियर हुई इतनी बात, समझ आई? तो देखो हमने 75 को कितनी ईजिली कैलकुलेट कर लिया। हाँ, लेकिन स्टूडेंट याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाते सारे, इसलिए फॉर्मूलों का याद रखना जरूरी है। इसका देखो इसकी सहायता से मैं कितने एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ वो देखो। अब आगे यदि मान लो मुझे 10 105 डिग्री अर्थात 105 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 75 प्लस 30 भी लिखा जा सकता है, और 75 की स्टूडेंट आप वैल्यू जानते भी हो, लेकिन एक बार इसको लिखेंगे तो क्या आएगा? 10 60 प्लस 10 45
वन माइनस 1060 1045 क्या आ जाएगा, रूट थ्री प्लस वन डिवाइड बाई वन माइनस रूट थ्री, कुछ ऐसा। 75 नहीं है ये, उसमें रूट थ्री माइनस वन था, ठीक है, यहाँ पे रूट थ्री प्लस वन है, तो कुछ थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है ना, फर्स्ट में तो पॉजिटिव होगा, सेकंड में नेगेटिव होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू आ जाएगी। यदि आप माइनस कॉमन लोगे तो वो वही वैल्यू देगा, ठीक है स्टूडेंट, बस समझ आ गई। यानी जो प्रीवियस लेक्चर तक हमारा प्रोसेस सॉल्व किया हुआ है, हमने उसके ऊपर अभी तक चर्चा की है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सम के ऊपर बात की, यदि मैं डिफरेंस पे आना चाहूँ दो एंगल्स के, तो यदि a माइनस बी करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, a को सॉरी b को रिप्लेस करूँगा स्टूडेंट माइनस बी से, ठीक है, मैं स्टूडेंट क्या करूँगा, मैं b को रिप्लेस करूँगा किससे, माइनस बी से। तो माइनस बी से जब आप रिप्लेस करोगे तो देखिए क्या बनेगा, वो हो जाएगा साइन a माइनस बी, ठीक है, बस समझ आ रही होगी स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा, साइन a माइनस बी हो जाएगा ना आपका। यदि वो a माइनस बी हो गया तो इस साइड a की जगह मैं माइनस बी लिखूंगा, तो साइन a कोस माइनस बी प्लस कोस a साइन माइनस बी। स्टूडेंट देखो ये चार फॉर्मूले आपको याद रखने, बाकी इन्हीं के ऊपर डिपेंड करके मैं फॉर्मूले पे फॉर्मूले बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि नई चीज पढ़ेंगे नए तो प्रॉब्लम आएगी, एक ही फॉर्मूले से रिलेटेड करके यदि हम पढ़ेंगे तो समझ भी जल्दी आएगा और आपको याद भी रहेगा, ठीक है। तो रूल यदि स्टूडेंट आप सबको याद हो तो कोस माइनस थीटा को हम कोस थीटा ही लिखते हैं, तो ये तो कोस बी रहेगा, कोई डाउट है क्या, फॉर्मूले बताए थे आपको लेक्चर में प्रीवियस में। लेकिन जब साइन के अंदर माइनस थीटा आ जाए, साइन माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, यानी आगे माइनस और लग जाएगा, तो स्टूडेंट इस केस में क्या आ जाएगा, माइनस कोस ए साइन बी, यानी स्टूडेंट हमारे पास साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी आएगा। क्लियर हुई बात इतनी या नहीं भी बच्चों बताइए, समझ आया होगा, बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं, यदि ये प्रोसेस मैं कोस के अंदर करूं तो कोस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कोस ए कोस माइनस बी माइनस साइन ए साइन माइनस बी, तो यहां पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, कोस ए कोस बी, लेकिन ये माइनस बार आएगा तो ऐसे माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, साइन ए साइन बी। तो देखिए स्टूडेंट फॉर्मूला बन गया, साइन ए माइनस बी क्या होता है, उसमें बीच का निशान चेंज हो जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और कोस ए माइनस बी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, बीच का साइन चेंज हो रहा है। अब सेम प्रोसेस है स्टूडेंट, हम टेन ए यदि मैं इसकी जगह नेगेटिव करूंगा दोनों जगह बी की जगह, तो ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, टेन ऑफ सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे कोस लिख दिया मैंने, कोट होगा, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाय वन प्लस टेन ए टेन बी। सेम स्टूडेंट बच्चों प्रोसेस आप यूज करके आप किसका फॉर्मूला बना सकते हो, कोट ऑफ ए माइनस बी का जो आपको बनाना होगा, ठीक है। तो बताइए स्टूडेंट तीन और फॉर्मूले समझ आए नहीं आए बच्चों, हमारी जब दो तीन लेक्चर हैं वो फॉर्मूलों पे रहने वाले हैं, तो इसलिए इन फॉर्मूलों को आप ध्यान से समझिए, क्योंकि आगे की जो पूरी प्रोसेस है वो फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड होगी और वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इसको समझना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो कोट ए माइनस बी का आप बनाओगे, क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, अभी कल जो हमने साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी और कोट ए प्लस बी इन चार फॉर्मूलों पर चर्चा की थी, तो इसके बाद आज का जो हमने अभी तक चर्चा कर ली वो हमने ए माइनस बी के एंगल जितने बनते हैं साइन कोस टेन कोट उनके ऊपर चर्चा की है। अब आगे बढ़ते हैं, अब और एंगल क्या, इतने ही एंगल पॉसिबल है क्या, हाँ इससे आप यूज किया, मैं एक आधी वैल्यू निकाल के बता देता हूँ पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने 75 तो फाइंड आउट कर लिया था, लेकिन क्या
10, 15 डिग्री फाइंड आउट किया जा सकता है? तो जवाब ये होगा किया जा सकता है। कैसे? तो इसको क्या लिखा जाएगा, 10 45 माइनस 30, यह हो जाएगा 10 45 माइनस 10 30 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 45 10 30, कुछ ऐसा ही होगा। भाई रूल के अकॉर्डिंग आप जानते हो, वैल्यू पुट कर दो तो 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3, 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3, क्योंकि 10 45 तो 1 होता है, तो मल्टीप्लाई में 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूट 3 यदि मैं एलसीएम लेता हूँ तो स्टूडेंट ये रिजल्ट आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, ये लीजिए कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। सॉरी, बस समझ आ रही होगी। तो स्टूडेंट ऐसी प्रोसेस आपको सॉल्व करनी है, ठीक है, यानी इस तरीके से आप कोई भी एंगल हो जिन दो की वैल्यू जानते हो आप उनका डिफरेंस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब जैसे 15 डिग्री आ गया, या और भी एंगल है उनको भी आप पता करना चाहो, जैसे 75 है उसको आप पता करना चाहो तो आप 90 माइनस 15 कर लो, पर 90 वाली प्रॉब्लम हो जाती है, तो 105 माइनस 30 कर लो, 105 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। तो इस तरीके से बच्चों आप फॉर्मूलों को आपस में कनेक्ट करना सीखना है। आपका मेन एम क्या होना चाहिए, मुख्य उद्देश्य क्या है कि फॉर्मूलों के साथ एक तरीके से खेलना। ये बच्चों एक पजल नहीं होता क्या, एक गेम जैसे, उस तरीके से कुछ फंडा मान सकते हो आप। तो उसमें क्या फॉर्मूलों का उसमें आपस में एडजस्ट करके उसको एडजस्टमेंट करना होता है, बस ये प्रोसेस ही है। फॉर्मूलों को आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड करना और उनका यूज करना, यदि आप ये समझ जाते हो तो ट्रिग्नोमेट्री तो एकदम ईजी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अभी तो बहुत सारी बातें बाकी है। अब यदि किसी एंगल का हाफ पता करना हो या उसका डबल एंगल पता करना हो तो क्या करें? जो बोल रहा हूँ स्टूडेंट उस बात को आराम से समझिए मेरी बात को, मैं कह रहा हूँ यदि किसी एंगल का हाफ एंगल पता करना हो या उसका ट्वाइस करना हो तो कैसे करें? तो अब यदि बी इक्वल ए ले लिया जाए यहाँ पे, अब यदि इन सब फॉर्मूलों में बच्चों हमारा मुख्य एम टेन के फॉर्मूलों तक ही है, कोट के फॉर्मूलों पर बहुत कम क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, शायद बुक में भी आपको कोई क्वेश्चन ना मिले, चांस बहुत कम है क्वेश्चन मिलने के, कोई एक आधे मिलेगा मुश्किल से। तो बात यह आती है स्टूडेंट कि ए बी की जगह यदि मैं ए रख दूं तो क्या हो जाएगा प्लस वाले में, तो वो साइन ए प्लस ए ये क्या हो जाएगा, साइन ए कोस ए प्लस कोस ए साइन ए। ठीक है, तो ए प्लस ए कितना होगा, साइन ऑफ ए टू ए, ये हो जाएगा 2 साइन ए कोस ए। तो यहाँ से बच्चों कहने का अर्थ ये हो गया कि यदि किसी एंगल की वैल्यू आपको पता हो तो आप उसके लिए साइन की उसके डबल एंगल की कोई भी वैल्यू पता कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपको ये पता है साइन 5 डिग्री क्या है तो आप साइन 10 डिग्री इजीली पता कर लोगे, लेकिन 5 डिग्री पहले पता होना ज़रूरी है। ठीक है, पहले 5 डिग्री पता होना जरूरी है, क्योंकि इनके बाद ये समझने के बाद हम इसकी ग्राफिकल अप्रोच पे भी आएंगे। आपको इसको एक दिन का पूरा लेक्चर शायद या हमारे 2 लेक्चर इसके ग्राफ पे भी रहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 2 इक्वल टू 2 साइन ए कोस ए। जैसे मान लो आपको 60 डिग्री पता हो उसका 120 फाइंड आउट करना हो तो ए की जगह 60 पुट कर दो, साइन 120 आ जाएगा, ये भी प्रोसेस है। 90 पता है तो साइन 180 पता कर सकते हो, 75 पता है अब आपको ये हमने वैल्यू निकाल ली है तो साइन 75 की वैल्यू के आधार पे आप उसकी 150 की भी वैल्यू निकाल सकते हो, यानी कोई भी हो डबल एंगल कर दो। ठीक है, ट्वाइस कर दो। ठीक है, इसके बाद यदि मैं कोस ऑफ ए प्लस ए करूँ तो इसके कई फॉर्मूले बनेंगे। ठीक है, तो उसको देखिए आप, वो हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए साइन ए कोस स्क्वेयर ए माइनस ए साइन स्क्वेयर ए। बच्चों यहाँ पे याद रखना ए और बी जो भी मैं ले रहा हूँ वो एक्यूट एंगल है अर्थात न्यून कोण है, ए और बी के आपके एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, 90 से कम है। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला। अब स्टूडेंट यदि मैं कोस स्क्वेयर ए को 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए कर दूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कोस 2 ए का फॉर्मूला है ये, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर ए।
या एक काम करूं कि साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कोस स्क्वायर ए कर दूं, तो आगे नेगेटिव साइन है तो 1 प्लस 1 सॉरी ये पूछेगा कुछ है, इसमें ही कर दूं चेंज 2 इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो मल्टीप्लाई करके जब इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है स्टूडेंट, कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देखो तो आपके पास टोटल 3 फॉर्मूले जनरेट हो चुके हैं कोस 2 ए के। कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। नंबर 1 कोस 2 ए का होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। नंबर 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। नंबर 3 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है बेटा, आगे बढ़ू, मैं साफ कर दूंगी इनको, कोई डाउट नहीं हो तो साफ कर दूं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, तो आज की जो हमारी और प्रोसेस रहेगी टेन वाला और देख लेते हैं। चलो एक बार फिर, टेन ए प्लस ए क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए डॉट टेन ए। स्टूडेंट कुछ ऐसा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बस मज़ा आई होगी भाई, मैं इसको बी की जगह ये रखूँगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, और वो क्या हो जाएगा 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए। तो देखिए स्टूडेंट साइन 2 ए का केवल एक फॉर्मूला जनरेट हुआ, कौन सा जनरेट हुआ सोचिए, 2 साइन ए कोस ए। ठीक है, कोस 2 ए का क्या हुआ, 3 फॉर्मूले बनाए, कोस स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर या 2 कोस स्क्वेयर माइनस 1, और टेन 2 ए का केवल एक फॉर्मूला बनाया 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए। ठीक है, लेकिन बच्चों अब कुछ फॉर्मूले ऐसे भी बन जाते हैं, कई बार एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए। आपके माइंड में एक बात आएगी सर ऐसा कैसे बना, तो स्टूडेंट आइए इसको सिद्ध करते हैं। 2 टेन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन ए अपॉन कोस ए। 1 प्लस टेन स्क्वेयर होता है स्टूडेंट sec स्क्वेयर ए, और sec स्क्वेयर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस स्क्वेयर ए। तो 2 साइन ए अपॉन कोस ए, ये रिवर्स में ऊपर नहीं आ जाएगा क्या मल्टीप्लाई में, तो कोस स्क्वेयर ए यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक से कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 साइन ए कोस ए। देख लीजिए इक्वल आ चुका है नहीं आ चुका है, जो मैंने अभी प्रूफ किया था। तो यहाँ से स्टूडेंट एक चीज़ और आ गई कि साइन 2 ए का टेन ए के रूप में फॉर्मूला बनता है, वो ये होगा 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो कन्फ्यूज किस वजह से होते हैं, किस तरीके से होते हैं वो मैं बताता हूँ कि टेन 2 ए का फॉर्मूला क्या है, 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए। कोस 2 ए का फॉर्मूला सॉरी साइन 2 ए का फॉर्मूला क्या है, 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए। बात समझ आ रही है बच्चों जो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होगा, प्लस माइनस का कन्फ्यूजन है, टेन के केस में नीचे माइनस होगा, साइन के केस में नीचे प्लस होगा। ठीक है, और यहाँ से कोस 2 ए का फॉर्मूला आप अपने हिसाब तरीके से अपने माइंड से जनरेट करोगे, वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, टफ नहीं है, इसको साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर में चेंज कर लेना। ठीक है, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर 1 अपॉन कोस स्क्वायर, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो वो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों देखो ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट आपके लिए इसलिए छोड़ रहा हूँ कि 9th और 10th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड इस तरीके के फॉर्मूलों को सॉल्व किए हैं। अब बच्चों जब तक आपको फॉर्मूलों के साथ खेलना नहीं आएगा एक तरीके से, तब तक ये मान के चलिए ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगी। और बच्चों ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस करना जरूरी है, क्योंकि जो आपके मैथ के मुख्य पार्ट माने जाते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन अर्थात अवकलन और समाकलन, वो समझ में तब आएंगे क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर निर्भर करते हैं। इसलिए बच्चों ट्रिग्नोमेट्री तो पोर्शन आपका स्ट्रांग होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है,
चलिए बच्चों, कर्म कितना भी हो लेकिन काम ऐसा होना चाहिए जो आपके प्रिपेयर हो जाए अच्छे तरीके से और जिससे रिलेटेड कोई भी आपकी दिक्कत ना आई। ठीक है, बन गया कोट टू ए का इस तरीके से आप बनाओगे। बच्चों फॉर्मूले आपको कह सर कि हम सेक कोसेक के क्यों अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों मैं आपको बार बार बता देता हूँ, रिपीट कर चुका हूँ कई बार, कि हम जानते हैं कि साइन कोस टेन का रिवर्स क्या होता है। साइन अगर जो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो कोसेक 30 क्या होगा, इसको रिवर्स कर दीजिए। और यदि कोस 30 की वैल्यू पता है तो सेक 30 के लिए उसको रिवर्स कर दीजिए। तो इस तरीके से हम उन तीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए जो फॉर्मूला का पूरा खेल होगा वो रहेगा हमारा अप्रोक्सीमेट साइन कोस और टेन के ऊपर। ठीक है, कोई डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। तो जो यदि 2a के बाद यदि एंगल को और मैं बढ़ाना चाहूं तो आपको मैं दोइंग, तो हमारे पास फॉर्मूले और बन जाते हैं साइन 3a का, जिसका फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin³a। देखने में बच्चों आपको ये लग रहा होगा कि ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत अलग सा है, लेकिन स्टूडेंट ये अलग फॉर्मूला नहीं है, ये सिंपल केस ही है। आपको मैंने क्या कहा था, बी साइन 3a को मैं यदि जितना पढ़ा है उनके आधार पे लिखूं तो मैं a प्लस 2a लिख दूं। अब आपको सर 4a माइनस a लिख दो, लेकिन 4a का केस अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, हमने a और 2a का केस पढ़ा है। तो मैं a और 2a में इसको ब्रेक कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, साइन a कोस 2a प्लस कोस a साइन 2a। अब स्टूडेंट आप ये देखिए कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक तो साइन है, यानी जो 2a है उसका तो कंसेप्ट कहीं यूज ही नहीं हो रहा, तो सबसे पहले 2a को मैं चेंज करूंगा। लेकिन जो रिजल्ट है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, साइन ही, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट आपको, साइन ही दिखाई दे रहा है। तो कोशिश ये रखना कि सारा मैटर साइन ही में आए। तो कोस 2a को चेंज करने के तीन तरीके, कोस स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर, 2 cos² - 1 - 2 sin², लेकिन हम चेंज करेंगे 1 - 2 sin². रीजन आपको मैं बता चुका हूं, क्योंकि जो रिजल्ट है वो सिर्फ साइन का है, इसको मैं एक बार चेंज नहीं कर सकता कि रूट आएगा, तो इसको चेंज कर दूं, इसका क्या होगा 2 sin cos। ये क्या हो गया बच्चों हमारे पास, साइन ए माइनस 2 sin³। ठीक है, ये 2 sin a मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर है, तो आ जाएगा साइन a माइनस 2 sin³a, 2 sin a एज इट इज, इसको लिख दो कोस स्क्वायर को 1 - sin² है, क्योंकि रिजल्ट हम जानते हैं, मल्टीप्लाई करो साइन a माइनस 2 sin³a प्लस 2 sin a माइनस 2 sin³a, 2 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 3 sin a माइनस 2 और 2 हो गए 4 sin³a। स्टूडेंट ये फॉर्मूला है या नहीं, बस समझ आ गई होगी, यानी फॉर्मूलों के ऊपर ही फॉर्मूले हैं। तो इस तरीके से एक बात, तो मैं कितने भी बड़े एंगल तक जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, कितने भी बड़े एंगल तक जा सकता हूँ भाई, जब मैं एक पे आ गया, 2a पे आ गया, 3a पे आ गया, तो साइन 3a की वैल्यू पता है तो मैं साइन 4a तक जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, जा सकता हूँ ना, बहुत आसानी से जा सकता हूँ। उसको 2a प्लस 2a में चेंज कर दो, a प्लस 3a में चेंज कर दो, अब a प्लस 3a कर सकता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू जानता हूँ, 5a के लिए 3a प्लस 2a, यानी इस तरीके से बच्चों बात है एंगल को आगे बढ़ाने की, कितना भी बढ़ाया जा सकता है। हाँ, लेकिन मुख्यतः जो फॉर्मूले हम आपकी बुक में वो साइन 3a तक के ही सीमित है। मैं यहाँ पे कोस 3a का फॉर्मूला और लिख देता हूँ, वो होता है 4 cos³a माइनस 3 cos a। और tan 3a का बच्चों फॉर्मूला वास्तविकता में इंटरेस्टिंग है, 3 tan a माइनस 10 cube a डिवाइड बाई 1 - 3 tan² a। इतनी बात समझ आ गई होगी बच्चों। तो अब आज के लेक्चर में हमने क्या किया, अभी हमने उनका जो दो एंगल का अंतर 2a 3a, तो बच्चों और भी जो एंगल है वो हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इतने फॉर्मूलों को आप तैयार कीजिए। ठीक है।